उधर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कश्मीर मुद्दे पर एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के अधिकारियों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव के मुद्दे पर वहां के प्रेस क्लब में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन जैसे ही कश्मीर पर चर्चा शुरू की गई वहां मौजूद पाकिस्तान के कुछ अधिकारी भड़क गए, जिन्हें धक्का देकर कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि वो हंगामा करने की फिराक में थे और वहां से जाना नहीं चाहते थे, जिसके बाद भारत के प्रतिनिधियों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। The whole audience has seen your real face today. What we have seen is destroyed. इस दौरान पाकिस्तान के अधिकारियों ने कई बार आयोजकों को आंखें दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी एक न चली। इस कार्यक्रम में भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष मीर जुनैद और बारामूला नगर परिषद के अध्यक्ष तौसीफ रैना शामिल हुए। इस बीच इसराइल की संसद में विवादास्पद बिल पास होने के बाद वहां के कई शहरों में प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए। ये बिल ऐसे समय में पारित हुआ जब इसराइल की सड़कों पर पहले से ही संग्राम चढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि उनके विरोध के बावजूद सरकार ने ये बिल पास कर दिया, तब उनका गुस्सा और भड़क गया। इसके बाद तो इसराइल के कई शहर विरोध की आग में जल उठे। सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। सबसे ज्यादा असर तेल अवीव के नजदीक बसे बनई ब्राक शहर में देखने को मिला, जहां बेकाबू हो चुके प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए, क्योंकि सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा इस कदर था कि वो पुलिस से धक्का मुक्की करने से भी पीछे नहीं हटे, जिसे देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनमें कई तो गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार दिखे, जिसकी वजह से पूरे शहर में कई घंटों तक हंगामा होता रहा। लोग सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। इसराइल की संसद में विवादास्पद बिल के पास होने पर पेते तिकवा शहर में इसी तरह बवाल हुआ। वहां ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आया। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ये बिल इसराइल के नेताओं को अयोग्य ठहराने से बचाएगा, चाहे उन पर किसी भी तरह का आरोप क्यों न हो, क्योंकि इसराइल की संसद में जो बिल पारित हुआ है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री को स्वास्थ्य या मानसिक आधार पर ही पद के लिए अयोग्य करार दिया जा सकता है, और ये फैसला लेने का अधिकार भी सिर्फ उनकी ही सरकार लेगी। जिसकी वजह से इसराइल में हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध करने जुट गए। उनका आरोप है कि इस बिल के अलावा इसराइल की सरकार पूरी न्यायिक प्रणाली में फेरबदल की तैयारी में है, और बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल की संसद को इतनी ताकत देना चाहते हैं जो अदालतों के फैसलों को भी पलट सके। इसके अलावा वहां के प्रधानमंत्री जजों की नियुक्ति को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, जिसके विरोध में कुछ रोज पहले ही दुनिया के बेहद आधुनिक लड़ाकू विमानों में एक F-15 थंडरबर्ड को उड़ाने वाले पायलटों ने भी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, और उस दौरान इसराइल की वायुसेना के 37 पायलटों ने विद्रोह किया था। यहाँ तक कि उनमें कई तो मिलिट्री ड्रिल में शामिल नहीं हुए थे, यानी लोगों के साथ इसराइल की सेना के कई जवान भी इन मुद्दों पर अपनी सरकार के खिलाफ हैं। इधर पंजाब के गुरदासपुर में BSF ने भारी तादाद में पाकिस्तानी हथियार बरामद किए। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रोन उस इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जिसे BSF के जवानों ने फायरिंग कर मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन से पिस्तौल, जिंदा कारतूस और गोला बारूद बरामद किए गए। इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया कि उस ड्रोन के जरिए किन जगहों पर हथियार गिराए गए।